जांजगीर चंपा जिले की बलोदा पुलिस ने डीजल माफियाओं का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बलोदा पुलिस को अपने मुखबिर से सूचना मिली थी कि क्षेत्रों में चोरी के डीजल का खरीद फरोख्त का धंधा चल रहा है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी करते हुए बिरगहनी ठडगा भरा गांव के पास से तीन युवकों को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 1950 लीटर डीजल बरामद किया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बलौदा थाना क्षेत्र में लगातार ही डीजल चोरी के जो प्रकरण आ रहे थे उनको गंभीरता से लेते हुए पुलिस की टीम गठित की गई थी आरोपियों की पतासाजी हेतु और साथ ही मुखबिर भी लगाए गए थे। इसी दौरान कल रात्रि मुखबिर के द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई कि एक सफ़ेद रंग की बोलेरो वाहन बलौदा की तरफ आ रही है और डीजल को रखा हुआ है जिसे वो बेचने की फिराक में है। जिस पर पुलिस की टीम बिरगहनी ठडगा बहरा के पास पहुंची और रोड में चेकिंग शुरू की। इसी दौरान वो सफ़ेद रंग की बोलेरो वहां आई, उस बोलेरो को रोका गया और उसकी चेकिंग की गई जिसमें पीछे कुछ प्लास्टिक के जर्किन रखे हुए थे और उसे तालपत्री से ढका हुआ था। जिस पर वाहन चालक और उसके दो साथियों के से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि वो डीजल को अकलतरा में बेचने के लिए लेके जा रहे हैं। इस पर आईपीसी की धारा 285 के साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3(7) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया और आरोपियों से पूछताछ के आधार पर उनका अपराध सिद्ध हुआ, जिस पर तीन आरोपी जिसमें आशीष कुमार, राजकुमार और बसंत कुमार, इन तीनों को गिरफ्तार किया गया और इन्हें पुलिस द्वारा विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है। इनसे इनकी गाड़ी से 30-30 लीटर के 67 जर्किन बरामद किए गए हैं जिसमें कुल 1950 लीटर डीजल की जब्ती हुई है और साथ ही उस वाइट रंग के सफ़ेद वो बुलेरो वाहन को भी जब्त किया गया है। जांजगीर चंपा से कृष्णा टंडन की रिपोर्ट।